सुविधा का लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ईपीडीएस पोर्टल शुरू किया है, जिसके तहत 9,434 उचित मूल्य की दुकानों पर स्वचालित पॉस मशीनें लगाई गई हैं, जहां उपभोक्ताओं को मशीनों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे आवश्यक वस्तुओं का 100% वितरण बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण के बाद किया जा रहा है। खट्टर ने कहा, अब कोई भी अपात्र व्यक्ति कोई भी फर्जी तरीका अपनाकर राशन नहीं ले सकेगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने 33% राशन डिपो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राशन डिपो धारकों का कमीशन बढ़ाया। हरियाणा में 2024 के चुनाव आने वाले हैं, इसी के तहत सरकार हर वर्ग के लिए अपना पिटारा खोल रही है। हरियाणा में 2024 के चुनाव आने वाले हैं, इसी के वजह सरकार हर वर्ग के लिए अपना पिटारा खोल रही है। हरियाणा में लगभग 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है, इसी के तहत राशन डिपो धारकों की कमीशन भी बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम थी, वो अब 2 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को राशन डिपो धारकों का कमीशन 1.50 यानी 1.5 रुपये से बढ़ाकर 2 रुपये प्रति किलोग्राम करने की घोषणा की है और कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बना दिया है। यहां ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन डिपो धारकों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य के लगभग 32 लाख परिवारों को पीडीएस योजना का लाभ मिल रहा है। पीडीएस को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रणाली में प्रभावी बदलाव किए हैं। अब सारा काम पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे लाभार्थियों के साथ साथ डिपो धारकों को भी राशन वितरण के दौरान कोई समस्या नहीं आती है, खट्टर ने कहा। एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार बातचीत के दौरान डिपो धारकों ने पीडीएस को सरल बनाने के सीएम के प्रयासों की सराहना की। डिपो धारकों ने कहा कि पहले लोग बार बार उनके पास आकर राशन आने की तारीख पूछते थे। हरियाणा सरकार ने राशन से संबंधित जानकारी को उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर से जोड़ दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के साथ साथ डिपो धारकों को भी बड़ी राहत मिली है। डिपो धारकों ने कहा कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करके परेशानियां खत्म कर दी हैं। सीएम ने कहा कि कई परिवारों को ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जहां उनकी जगह किसी और ने राशन सुविधा का लाभ उठाया। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने ईपीडीएस पोर्टल शुरू किया है, जिसके तहत 9,434 उचित मूल्य की दुकानों पर स्वचालित पॉस मशीनें लगाई गई हैं, जहां उपभोक्ताओं को मशीनों के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे आवश्यक वस्तुओं का 100% वितरण बायोमेट्रिक आधार पर प्रमाणीकरण के बाद किया जा रहा है। खट्टर ने कहा, अब कोई भी अपात्र व्यक्ति कोई भी फर्जी तरीका अपनाकर राशन नहीं ले सकेगा। सीएम ने कहा कि सरकार ने 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार ने 33% राशन डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं। डिपो धारकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अंत्योदय अभियान का सारथी कहना गलत नहीं होगा। डिपो होल्डरों के कारण ही गरीब से गरीब व्यक्ति की भूख मिटाने के लिए राशन वितरण का कार्य सुचारू एवं परेशानी मुक्त तरीके से हो रहा है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। COVID-19 महामारी के दौरान आपके द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाएं इसका एक
उदाहरण है, खट्टर ने भी इस बात को कहा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ऑल पर ओके करें। तो इसी आशा और विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।